वेलकम टू न्यू ब्लॉग इमरान बी के। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी रश है, और शाम का टाइम है, ये 8-9 बजे का टाइम है, और जामा मस्जिद पे देख सकते हो आप काफ़ी रश है। और यहाँ पे रोकने वाला जो चुनी से रोका देते हैं वो उनको भी दिखाऊँगा आपको, और यहाँ पर अलजवार होटल है वो भी दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे चिकन टिक्के वाले काफ़ी लोग, काफ़ी फेमस लोग हैं यहाँ पे, तो वो सारे मठिया महल की मार्केट में हैं। और ये मैं देख सकते हैं, मैं जामा मस्जिद के एक नंबर गेट पे खड़ा हूँ, जो सारी मार्केट है, खाने का सारा आइटम मिलता है, एक से बेहतरीन आइटम मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे जामा मस्जिद है, और ये आपको नज़र आ रही होगी रात का टाइम है, जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ एक नंबर गेट पर। जामा मस्जिद पर घूम रहा हूँ, और ये अपना जामा मस्जिद का एरिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे हर किसी की दुकानें, मार्केट, और काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। और दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जामा मस्जिद की भीड़ और कितनी भीड़ है जामा मस्जिद।
मैं आपको दिखा रहा हूँ जाम मस्जिद पे किस तरीके से होटलों पर भीड़ है, खाने के होटलों पर भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या क्या मिल रहा है जाम मस्जिद की। और मेरे सामने जाम मस्जिद है और मैं इस टाइम शाम का टाइम है, शाम का टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ जाम मस्जिद की रौनक, जाम मस्जिद में कितनी भीड़ है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है जाम मस्जिद में और हर होटल पर भीड़ है खाने के, कोई ऐसा होटल नहीं है खाने के नहीं हो, सब पे भीड़ है बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे आपको, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये अलजवार है होटल, अलजवार होटल है दोस्तों। और मैं अलजवार के मालिक है दोस्तों। फिर